दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई मोबाइल पे ऐप के बारे में। दोस्तों अगर आप आई मोबाइल पे ऐप को ओपन कर रहे हैं और अगर आपका आई मोबाइल पे ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो आज इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। मैं दोस्तों पिछले 10 दिनों से आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल पे ऐप को ओपन कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों आई मोबाइल पे ऐप ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, अगर आपका भी आई मोबाइल पे ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में आई मोबाइल पे ऐप है, इसे दोस्तों हम ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन दोस्तों ये जो है ओपन नहीं हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आपको लिखना है एप्स। जिसे आप यहाँ पर एप्स लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एप्स आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ढूंढना है आई मोबाइल पे ऐप, जिसे यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे कि हमारे मोबाइल में जो है आई मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, तो आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्लियर डेटा का, क्लियर डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जिसे दोस्तों आप यहाँ से डिलीट करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। और दोस्तों बैक करने के बाद दोबारा से आपको जो है मोबाइल पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है कुछ परमिशन लिया जाएगा SMS कॉल का, तो आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है कि आपका जो है आई मोबाइल पे ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दोबारा से इसमें रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो आपको क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इंडियन रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके आई मोबाइल पे ऐप में पहले से रजिस्टर था, यानी ICICI बैंक में रजिस्टर था। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर मुझे जो है 4 डिजिट का MPIN सेट कर लेना है, जिससे हम बाद में आई मोबाइल पे ऐप में लॉगिन करते हैं। जिसे यहाँ पर MPIN डालेंगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है MPIN सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डेबिट कार्ड या फिर दोस्तों नेट बैंकिंग से यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड का यूज करके कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिड नंबर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड के पीछे में ABCD वगैरह लिखा होता है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं A लिखा हुआ है, हमारे डेबिट कार्ड के पीछे में A लिखा है और दोस्तों उसमें एक नंबर लिखा है, उस नंबर को यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे H लिखा हुआ है देख सकते हैं, तो हमारे डेबिट कार्ड के पीछे में H लिखा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे में एक नंबर लिखा हुआ है, उसे यहाँ पे डाल देना है। सेम तरीके से इस बॉक्स में भी डालना है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों तीनों बॉक्स में डाल दिया। आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कि आप फिंगरप्रिंट सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सेट करना है तो अलाउ करेंगे, नहीं तो आपको स्किप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो है आई मोबाइल पे ऐप में दोबारा से लॉग इन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप आई मोबाइल पे ऐप को दोबारा से ओपन करना चाहेंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपका जो है आई मोबाइल पे ऐप ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका भी आई मोबाइल पे ऐप ओपन नहीं हो रहा था तो उस प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। अब दोस्तों यहां पर हम MPIN डाल करके लॉग इन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।